ब्लू डायमंड हॉस्पिटल है जी जी, इस हॉस्पिटल में अभी मौजूदा वक्त में किस तरह मरीजों को इंटरटेन कर रहे हैं जी? हम लोग अभी तो मरीज नहीं ले, मतलब एंट्री ले रहे हैं। हम लोग तो पहला चीज़ सोच लिए कि मरीज पहले यहाँ एंट्री लेना, जो पहले से मरीज यहाँ भर्ती है वही मरीज को हम लोग भली भांति से इलाज करके किसी तरह एम्बुलेंस सेवा से हम किसी तरह से उन लोग को अपना अपना घर भेजाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जिस वो सिम्टम का मरीज मैंने जो कोरोना ग्रसित है, जिसपे सरकार हमारे तरफ से इस तरह का जो कदम उठाई है कि किसी प्रकार का कुछ भी सिम्टम पाया जाए तो उस मरीज से बाकी कोसों दूर रहना है। और जितना भी इसके साथ रूल रेगुलेशन पालन किया जा रहा है और ये जो मैंने कोरोना से मैंने जितना मैंने दूरी बना के रहे उतना काफ़ी बेहतर है और हम लोग उस तरह के मरीज का एडमिट नहीं ले रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि उस तरह के मरीजों की संख्या अभी तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो जो इमरजेंसी केस आता है उसको आप लोग क्या करते हैं? इमरजेंसी केस आता ही अभी लमसम लगता है कि उस तरह का केस अभी लमसम आता ही नहीं है। सारा गाड़ी घोड़ा रुक गया और लोग जो भी चाह रहे हैं कि इस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोग अपने इलाके में ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और किसी तरह से भी वो अपना जो है कई अगर मान लिया जाए इमरजेंसी कोई आ भी गए तो उन लोग को हम लोग डॉक्टर से सलाह लेकर सारा चीज़ सिम्टम उसका जो भी लक्षण है कोरोना का अगर उस लक्षण से ग्रसित अगर की बात नहीं करें, हम कह रहे हैं कि अगर जनरल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अगर आता है तो उसको इंटरटेन कर रहे हैं या नहीं? इंटरटेन कर रहे हैं हल्का फल्का, मान लीजिए देख लेते हैं कि स्थिति सिचुएशन क्या है। मान लिया जाए अभी मान लिया जाए बगल में एक्सीडेंट हो जाएगा और वो लड़का मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है तो ऐसा नहीं कि हम इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। हम लोग उनको अस्पताल खोले हैं उसी के लिए, जनता सेवा के लिए। और मान लिया जाए कोई आदमी अगर मैंने किसी प्रकार से तकलीफ में फंसा हुआ है और वो अस्पताल आ गया तो अस्पताल इसी सोच के आइबे करता है कि लोग हमको वहाँ भला हो, सुविधा मिले ताकि हम अच्छे हों और अपने जीवन को। लेकिन जब कोरोना को लेकर के अभी लॉकडाउन हुआ उसके बाद पटना के जितने भी तमाम हॉस्पिटल हैं वो खुद को लॉकडाउन कर लिए हैं, मरीजों को नहीं ले रहे हैं, या ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मरीज आ नहीं रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना? हाँ, ये तो गलत बात है कि मरीज आ रहे नहीं, लेकिन आप लोग आंखों देखा हाल देख सकते हैं कि हमारा मरीज किस दिन का एडमिट है, कितना दिन से रह रहा है। लोग 10 दिन के पहले से आज तक जब जो लॉकडाउन का 6 दिन या 5 दिन हुआ हम लोग का अस्पताल का, उसके बीच का कोई भी मरीज एडमिट नहीं है। हम लोग इस चीज़ पे भली भांति गौर करके ध्यान दे रहे हैं कि सरकार का आदेश है तो उसका रूल रेगुलेशन को पालन करना, भली भांति लोग अगर जो एजुकेटेड है जो इस लाइन को जानता है समझता है वो कर ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं भूतनाथ रोड स्थित ब्लू डायमंड हॉस्पिटल के पास। और जैसा कि आप यहाँ के एक स्टाफ को सुना, इनका कहना है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये नए मरीजों की भर्ती नहीं ले रहे हैं, खास करके अगर उनमें कोरोना से या सर्दी जुकाम से का कोई सिम्टम हो तो उन्हें इंटरटेन तक नहीं किया जाता है, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं, पटना के तमाम हॉस्पिटल क्लिनिक का यही हाल है। हम आपको और कुछ बड़े हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, देखिए हॉस्पिटल में किस तरह सन्नाटा पसरा है। हॉस्पिटल के लोग जो जिसे कहते हैं डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं वो खुद लॉकडाउन के शिकार हो गए हैं, जिन्हें कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप, वो खुद घरों में छुप चुके हैं। तो चलिए हम आपको इसके बाद लिए चलते हैं फोर्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पूरा गेट उट लगा हुआ, क्या वजह? कोरोना का वजह है, वो कार्डियक पेशेंट वगैरह आते हैं उनको लिया जाता है। अच्छा। कार्डियक पेशेंट को लिया जाता है, आरटीए का पेशेंट को लिया जाता है। बताइए। हाँ, कोरोना की वजह से ये कार्डियक का पेशेंट आते हैं तो उनको लिया जाता है जांच पड़ताल करने के बाद, और उसके बाद आरटीए वगैरह पेशेंट आते हैं तो लिया जाता है। ये बताइए कि आप क्या हैं इस हॉस्पिटल में? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड, हाँ। कौन मैनेजर कौन है? ये परवेज सर अभी है नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं है, आज निकल गए हैं। तो ये बताइए कि कोरोना की वजह से जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसको भर्ती नहीं लेते हैं?
हाँ लिया जाता है, इमरजेंसी लिया जाता है। गेट उट लगाए हुए हैं ज़्यादातर अस्पतालों, इसलिए कि बाहरी आदमी ना इन कर जाए। एक अटेंडेंट अलाउ है सर, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, दिया हुआ है सीधे सब। एक अटेंडेंट अलाउ है पेशेंट के साथ, क्योंकि 3 फीट की दूरी पे रहना है, ज़्यादा समूह में रहेंगे भीड़ रहेगा, संक्रमित होगा इसलिए। और जो सर्दी खांसी बुखार के जो पेशेंट है उनको आप लोग नहीं ले रहे हैं? नहीं, उनको जाँच पड़ताल करने के बाद PMCH या NMCH रेफर किया जाता है। मतलब उनको लेते हैं, मतलब फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर्स हैं, वो आकर के देख लेते हैं, देखने के बाद जैसा होता है वो करते हैं। अच्छा, ऐसे मरीज भी आ रहे हैं क्या? हाँ ऐसे आए हैं, तो उनको जांच पड़ताल करने के बाद जब बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो नहीं लेते हैं, उनको PMCH या NMCH रेफर किया जाता है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिसको ज़्यादा टेम्परेचर है उसको कोरोना ही है। ऐसा तो कोई अभी हमारे पास मशीन नहीं है कि कोरोना बता सकते हैं। फिर आप लोग रेफर क्यों कर रहे हैं उनको, ये उपचार क्यों नहीं करते बुखार? उसके लिए तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्या है क्या नहीं। जो मतलब चुनिंदा पेशेंट को ले रहे हैं? चुनिंदा नहीं सर, जैसे कार्डियक का पेशेंट हो जिनका चेस्ट पेन हो रहा है, ये है, उनको सब चीज़ देख लिया जाता है कि उनको हाँ लिया जा सकता है तो ले लेते हैं जाँच पड़ताल के बाद। तो सुना है आपने, ये है पटना के ज़्यादातर हॉस्पिटल का हाल। ज़्यादातर हॉस्पिटल में कोरोना के बाद, या कहें कोरोना को लेकर लॉकडाउन शुरू होने के बाद, इसी तरह का माहौल है। गेट बंद है और डॉक्टर अस्पताल में कम से कम विजिट कर रहे हैं, और ज़्यादातर हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ है, खासकर निजी अस्पतालों में। होना ये चाहिए था कि इस वक्त में, इस बुरे वक्त में तमाम हॉस्पिटल, तमाम निजी क्लिनिक में सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी कोरोना को लेकर, लेकिन पटना में ठीक इसके उल्टा है। तमाम हॉस्पिटल जो है एक तरह से शट डाउन किए हुए है। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के मेन गेट पे। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद यहाँ हॉस्पिटल का क्या हाल है, कोरोना के लेकर यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है। संडे को बंद होता है हॉस्पिटल? मतलब मीडिया से बात करने वाले कोई क्या बोल रहा है तू? नहीं कुछ अधिकारी नहीं, मैं तो कोई अधिकारी पर्सन आपको नहीं मिलेंगे सर। कोई अधिकारी पर्सन अभी कोई नहीं मिलेगा आपको। तो आप मतलब ये हॉस्पिटल तो चालू है ना? हाँ हॉस्पिटल चालू है। हाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी चालू है, उधर चल जाए रिसेप्शन पे। रोहन थोड़ा सा इनको भी अच्छी कर दीजिए। नहीं नहीं क्या कर कैसे कर रोहन जी को बुला लो। कोई दिक्कत नहीं है ना वहाँ जाएंगे तो? चेकअप किया है ना? चेकअप किया? चेकअप नहीं हुआ। क्यों? अरे चेक करो, ये टेम्परेचर है, देख रहे हैं कोरोना का एक लक्षण है कि फीवर उसका एक सिस्टम है, फीवर खांसी सर्दी। कोरोना का ये भी लक्षण है कि कभी कभी 14 दिन के बाद खांसी और बुखार होता है, तो इससे आप कैसे पता कर लेंगे कि? हम टेम्परेचर देखते हैं, जिसका 100+ रहता है, 100 जाता है, उसको हम लोग इन नहीं करते हैं, इन नहीं करने देते। मतलब उनका उसको आप हॉस्पिटल के अंदर इन नहीं करने देते? उनको अच्छा चेक करते हैं कि बुखार नहीं है, यदि खांसी नहीं हुआ, सर्दी नहीं हुआ, ऐसा पूछते हैं। तो फिर उनका क्या करते हैं जब 100 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिस पेशेंट, मतलब जो भी आता है? जोन बना हुआ है, उस जोन में हम बैठाते हैं उनको। बैठा करके उसको डॉक्टर लोग को, वो डॉक्टर लोग आते हैं, चेक करते हैं, अगर हमारा ऐसा कुछ रहता सिस्टम फिर DMCH भेजते हैं। DMCH भेजते हैं, लेकिन जिन मरीजों को आप बैठा देते हैं तो आप कैसे पता करते हैं कि इसको कोरोना है या नहीं? नहीं, जैसे टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, 100 डिग्री जिसका होता है सिस्टम होता है, मतलब पूछते हैं फीवर हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है, माथा दर्द दे रहा है, शरीर दर्द दे रहा है,
वो सब जो लक्षण है वो सब पूछते हैं ऐसा तो कुछ। मतलब ये तो आम सर्दी खांसी बुखार जिसको होता है उसको भी होता है? ऐसा तो अभी मिला नहीं है हमको ऐसा कुछ। आम सर्दी खांसी। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर हैं आप? नहीं, नर्सिंग स्टाफ। ये बताइए कि जो कोरोना होता है जो सर्दी बुखार तो किसी को हो सकता है? हाँ, जनरली सर्दी सर्दी बुखार किसी को हो सकता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेते हैं, जो कोई भी बाहर से आता हो पहले हम लोग ये पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, माथे में हेडक तो नहीं है, उल्टी तो नहीं हो रही है, डायरिया तो नहीं है, वोमिटिंग तो नहीं है। अगर ये सारे लक्षण अगर मिलते हैं तो हम लोग उनको शक के घेरा में रख के उस एरिया में बैठाते हैं, NMCH या PMS से डॉक्टर स्टाफ एम्बुलेंस बुलवा के उनके हाथ हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा अच्छा जी। ये बताइए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका अपोलो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा फेमस नाम है अपोलो जी, जी। ठीक है, तो इतने बड़े हॉस्पिटल में आप लोग जो पेशेंट होते हैं इस तरह उनको इंटरटेन नहीं कर पाते हैं? देखिए हम लोग को जितना हम लोग को आदेश दिया गया है कि जो काम करने को हम लोग वो सारा अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बाकी जो है जो ऊपर से ऑर्डर आता है हम वो काम को करते हैं। नहीं वो सही बात है, आप नौकरी करते हैं तो जो ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल में जैसे कोरोना जैसी मतलब इस तरह के मतलब जो सर्दी जुकाम कहते हैं हम बैठा देते हैं NMCH भेज देते हैं तो ये तो गलत है ना? मैंने सर ये बात बताया ना, मैंने ये सारी लक्षणें बताई, ये सर्दी खांसी में आपको हेडक आना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सारा चीज़ नहीं आता है, लेकिन ये सारा अगर लक्षण मिल रहा हो वैसे लोगों को हम लोग वहाँ बैठाते हैं। मान ली एक दो लक्षण आता है तो जनरली सीजन के वजह से भी खांसी सर्दी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे पेशेंट को तो हम लोग अटेंड करते ही हैं, लेकिन अगर बाय द वे जितने भी लक्षण मैंने आपको बताया अगर वो सारा लक्षण उसमें पाया गया तो वैसे पेशेंट को हम लोग वहाँ बैठाते हैं। अभी तक कितने पेशेंट को आपने NMCH भेजा? एक भी नहीं हम लोग पेशेंट को भेज पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी पूरा हॉस्पिटल में सन्नाटा है और गेट पर भी काफ़ी मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था है, तो आप लोग मौजूदा वक्त में किस तरह के पेशेंट को इंटरटेन कर रहे हैं? जनरली जो भी आपका जैसे गेस्टों का रिलेटेड हो, जैसे CLD है, CKD है, इस टाइप के पेशेंट या एनीमिया है, ये सारे पेशेंट को हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, या जो हम लोग का जो भी पुराना पेशेंट है उसको भी अटेंड हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि पुराने पेशेंट में किसी को डायरिया ना होता हो, हेडक नहीं होता हो, लेकिन ये जितनी भी लक्षण जो कोरोना में पाई गई हैं अगर वो सारा लक्षण अगर इसमें पाया गया तो वैसे पेशेंट को ही हम लोग के लिए वहाँ रखते हैं, नहीं तो अगर सर्दी लेके आया खांसी लेके आया तो उसको तो अटेंड करेंगे ही, हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर भी अवेलेबल हैं 24 आवर हैं, वैसे पेशेंट को हम लोग रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कोरोना का खौफ किस कदर है यहाँ पे। ये बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है पटना का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही नामी हॉस्पिटल है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों की लिस्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कोरोना की जांच को लेकर जांच के नाम पे ये बुखार यहाँ देखा जाता है और सर्दी जुकाम बाकी चीज़ रहने पे साइड में बिठाया जाता है और उनको NMCH भेजा जाता है, यही बात है ना? नहीं नहीं, मैंने ये बात कहा कि ये जितने भी कोरोना के जो लक्षण पाए गए हैं जिसके बारे में डॉक्टर या YouTube या किसी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है, वो सारी अगर लक्षण मिलती है तो हम पेशेंट को वहाँ बैठाते हैं उस कैंप में, और तब मैं NMCH को फ़ोन करता हूँ या एम्बुलेंस आती है और वो ले जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि सर्दी या खांसी के पेशेंट को हम लोग NMCH या PMS भेजते हैं। कोरोना के पेशेंट को आप लोग इंटरटेन नहीं करते? जी नहीं, पटना में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो कोरोना के पेशेंट को इंटरटेन करता? नहीं नहीं, हम केवल बिग हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं क्योंकि बिग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बस यहाँ के बारे में जो है मैंने आपको वो बताया। जी जी, तो बिग हॉस्पिटल जो है एक नामी हॉस्पिटल है पटना का और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जाँच की तमाम सुविधाएँ हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन कोरोना को लेकर खौफ यहाँ भी है और मरीजों की बात करें तो मरीज को यहाँ भी सीमित करके ही देखा जा रहा है।
ये बताइए कि हॉस्पिटल में जो मरीज है उनको आप भर्ती ले रहे हैं? एमरजेंसी पेशेंट जो रहते हैं ना, हम उनको सिर्फ ले रहे हैं, बाकी ऐसी ओपीडी बंद है। कोई भी एमरजेंसी पेशेंट आ रहा है उनको हम सिर्फ ले रहे हैं। ओपीडी क्यों बंद कर रखा? ओपीडी के लिए भी डॉक्टर सब टाइम नहीं दे रहे पा रहे हैं, प्लस आपको कोरोना वायरस के चक्कर में ओपीडी का बहुत ये हो रहा है, इसलिए जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसको सरकारी में भेज रहे हैं हम लोग। सरकारी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, मतलब यहाँ इंटरटेन नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो एमरजेंसी पेशेंट ले रहे हैं हम लोग उसको ले रहे हैं, हम लोग जो क्रिटिकल की हालत आ रहा है उसको हम लोग एडमिट ले रहे हैं। बाकी जैसे सर्दी खांसी बुखार ये सब लोग, मतलब जो नॉर्मल जो होती है बीमारियाँ उसके पेशेंट को मतलब आप लोग नहीं ले रहे हैं? नहीं, जैसे एमरजेंसी पेशेंट को ले रहे हैं हम लोग सर। यशपाल जी, ये बताइए कि आपका जो ये मरियम हॉस्पिटल है यहाँ पेशेंट को आप भर्ती नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है इसकी? अभी पेशेंट आ ही नहीं रहा उस टाइप का जी। मतलब उस टाइप का, मतलब किस टाइप का पेशेंट आप लेते हैं? हम लोग जनरल पेशेंट लेते हैं। सरकार अभी हम लोग को कोरोना के लिए नहीं बताया कि आप लोग को प्राइवेट को लेना है। नहीं, कोरोना का पेशेंट तो लेना है या नहीं, कोरोना है या नहीं है ये तो आप, मतलब बहुत कम जगह इसकी जाँच हो रही है, लेकिन जो ऐसे जनरल पेशेंट आ रहे हैं उनको आप लोग भर्ती नहीं ले रहे हैं? जनरल पेशेंट मेरे यहाँ अभी नहीं आ रहा है, जब से ये फैला है तब से जनरल पेशेंट मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, बहुत कम है। हाँ, ओपीडी इक्का दुक्का आता है बस। मतलब डॉक्टर हैं आपके यहाँ जो बैठते हैं? हाँ हाँ हैं, हाँ डॉक्टर संजय कुमार हैं। देख रहे हैं कि पूरा क्लोज है एकदम। हाँ, तो अभी ओपीडी खत्म हुआ तो चले गए, पेशेंट है नहीं तो।